नमस्कार दोस्तों, क्राइम की दुनिया में सच्ची घटना पर आधारित कहानी आज की कहानी है मोनिका की। तारीख थी 22 जनवरी 2022। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोनेर थाने में एक 22 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होते ही पूरे पुलिस महकमे में तहलका मच जाता है, क्योंकि गायब होने वाली लड़की ने कुछ समय पहले ही एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम पास करके कनाडा की बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हुए जिले भर में चर्चा बटोरी थी और फिलहाल कनाडा में रहकर ही पढ़ाई कर रही थी। वो लड़की हाल ही में वापस हरियाणा आई थी। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच के लिए इसको क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। महीनों तक जाँच चलती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। मगर 9 महीने बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। इस लड़की को प्यार हुआ था, मगर प्यार में उसे धोखा मिला और इस धोखे की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और शायद आप भी प्यार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस घटना को अंजाम देने के पीछे की वजह बहुत ही अजीब थी, तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी, लड़की के साथ क्या कुछ हुआ और इस घटना के पीछे की वजह क्या थी, चलिए जानते हैं। सब कुछ डिटेल से इस वीडियो व कहानी के माध्यम से आप खुद को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, हम हरियाणा के मशहूर मोनिका की बात कर रहे हैं। 22 साल की मोनिका हरियाणा के रोहतक के बुलंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, इसलिए परिवार वाले इसे बहुत आगे तक पढ़ाने का फैसला करते हैं। मोनिका भी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है और लगातार पढ़ाई में बेहतर करती रहती है। एक समय के बाद मोनिका कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का फैसला करती है और परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसले में उसका साथ देते हैं। अगर समस्या यह थी कि कनाडा जाने से पहले मोनिका को एक एग्ज़ाम क्लियर करना था, इसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोनिका अब अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत ज़िले के गोनेर में रहने वाली अपनी मौसी के पास आ जाती है। मौसी के पास आने के पीछे का कारण था कि यहाँ रहकर मोनिका अच्छे से पढ़ाई कर सके। यहाँ रहते हुए मोनिका ने अच्छे से पढ़ाई करने लगती है, मगर पढ़ाई के साथ साथ एक दिन उसकी नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से मिलती है। एक दो दिन, दो तीन चार होते होते अब उस लड़के और मोनिका की आंखें चार होने लगती हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं। जिसे मोनिका पसंद करने लगी थी उस लड़के का नाम सुनील है। बहुत जल्द मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को दिलों ही दिलों में चाहने लगते हैं। इसी बीच मोनिका का एग्ज़ाम भी आता है और वह IELTS एग्ज़ाम पास करते हुए कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी पर घर वाले बहुत खुश होते हैं। मोनिका की इस कामयाबी की चर्चा जिले भर में होती है। सभी कामकाजी कार्रवाई पूर्ण होने पर फाइनली अपनी पढ़ाई के लिए मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती है। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स शुरू करने लगती है। अभी मोनिका को गए हुए कुछ ही दिन हुए कि सुनील मोनिका को फ़ोन करके शादी के लिए जल्द से जल्द भारत बुलाने लगता है। सुनील की जिद की वजह से मोनिका मात्र 17 दिनों बाद कनाडा से वापस आ जाती है। 17 दिनों बाद यानी 22 जनवरी 2022 को मोनिका बिना अपने परिवार वालों को बताए कनाडा से वापस हरियाणा आ जाती है। यहाँ आने के बाद वह अपने लवर सुनील से मिलती है और दोनों चुपचाप दुनिया की नज़रों से बचकर साथ रहने लगते हैं। फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाज़ियाबाद के आर्य मंदिर में सुनील के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर लेती है। शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका
अब बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अब अगले ही कुछ महीनों तक मोनिका कनाडा में ही रहती है, मगर उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आने लगता है। जब भी उसके परिवार से कोई उसे फ़ोन करता तो मोनिका अक्सर कॉल काट दिया करती थी या फिर बातों को टाल देती थी। ऐसा अप्रैल महीने तक चलता रहता है। अप्रैल महीने के अंत तक स्थिति ऐसी बन जाती है कि मोनिका अपने परिवार के सभी रिश्तेदारों का फ़ोन उठाना बंद कर देती है, यहाँ तक कि कोई भी करीबी रिश्तेदार के नंबरों को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। कुल मिलाकर परिवार वाले चाहकर भी मोनिका से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। अब अगले ही दिनों तक मोनिका के परिवार वालों मोनिका से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कहीं भी मोनिका का पता नहीं चलता। अंत में मोनिका की मौसी गोनेर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी अपनी पड़ोसी सुनील पर मोनिका के अपहरण का शक जताती है। इस रिपोर्ट के आधार पर गोनेर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, मगर जांच की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मोनिका के परिवार वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तक अपनी गुहार लेकर जाते हैं। इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए मोनिका के परिवार वालों की रिक्वेस्ट पर अब इस केस की जांच रोहतक आईजी को सौंप दी जाती है। रोहतक आईजी इस केस की जांच भिवानी के सीआईएस टीम को सौंप देते हैं। पुलिस सबसे पहले इसकी प्राइम लोकेशन यानी सुनील की तलाश में लगती है और काफ़ी कोशिशों के बाद ही सुनील का कहीं अता पता नहीं चलता, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। इसी क्रम में कहीं से पुलिस वालों को पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश में ही रह रहा है। बस इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी करके उत्तर प्रदेश से ही 2 अप्रैल 2023 को सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद सुनील को स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है, जहां से 8 दिनों के पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। इसके बाद सुनील से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरू में सुनील पुलिस के सभी अपराधों को निराधार बताता है और खुद को बेगुनाह बताते हुए कहता है कि मोनिका के परिवार वाले उसे फंसा रहे हैं, मगर पुलिस सुनील की मीठी बातों में आने की बजाय अपने अंदाज में पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस की शक्ति के आगे सुनील की सारी चालाकी फेल होने लगती है और फिर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। सुनील बताता है कि मोनिका से पहले उसकी मुलाकात तब हुई जब मोनिका अपनी मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। तब सुनील मोनिका की मौसी के यहाँ दूध लेने आया जाया करता था। यही मोनिका की मौसी के यहाँ मोनिका से मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लगते हैं। यहाँ तक कि रक्षाबंधन के मौके पर मोनिका सुनील को राखी बांधती है, मगर दोनों राखी की कस्मों को लंबे समय तक नहीं निभा पाते और पवित्र रिश्ते को दागदार करते हुए एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और चुपचाप शादी करने तक का फैसला कर लेते हैं। सुनील पुलिस की पूछताछ में खुलासा करता है कि मोनिका से शादी करने के 4 महीने बाद यानी अप्रैल में एक बार फिर से उसे कनाडा से ज़बरदस्ती बुला लेता है और साथ ही रहने लगता है। इस बात की जानकारी मोनिका अपने परिवार वालों को नहीं देती है। यही वजह थी कि मोनिका ने अपने परिवार वालों से फ़ोन पर बात न करना शुरू कर दिया था और कई करीबी रिश्तेदारों के फ़ोन ब्लॉक कर दिया था। सुनील के खुलासे के मुताबिक सुनील और मोनिका दुनिया की नज़रों से बचकर अलग कई महीनों तक साथ रहने लगते हैं और समय समय पर ठिकाना बदलते रहते हैं। शुरू शुरू में तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, मगर समय के साथ रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगती है और यह कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब हर पल इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं।
इन्हीं झगड़ों के बीच इसी तरह दोनों साथ रह रहे थे, मगर 29 जून 2022 को जब सुनील मोनिका को लेकर अपनी गाड़ी से यूपी स्थित फार्म हाउस जा रहा था, तभी दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है और इतनी ज़्यादा अनबन बढ़ जाती है कि सुनील अपनी कार में रखा हुआ पिस्टल निकाल लेता है और एक सुनसान जगह पर कार खड़ी करने के बाद दो गोलियां सुनील मोनिका की खोपड़ी में मार देता है, जिससे मोनिका मर जाती है। सुनील के बयान के अनुसार गोली मारने के बाद वह लाश को अपनी कार की डिग्गी में डालता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, वह सोचने लगता है। इसलिए वह अगला कदम उठाने से पहले लाश को इस तरह कार में छुपा कर अपने फार्म हाउस में चला जाता है और कार को कार पार्किंग में खड़ी करने के बाद अच्छे से कवर कर देता है और वह लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग पर काम करने लगता है। वह सोच रहा होता है कि किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जाए। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि क्यों ना लाश को इस फार्म हाउस में दफना दिया जाए। इसी के बाद अगली सुबह सुनील अपने घर पर कुछ मजदूरों को बुलाता है और घर के अंदर लगभग 10 फीट गहरे खड्डे को खुदवाता है। मजदूर जब इस खड्डे को खोदने के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं तो सुनील उन्हें बातों में उलझाकर बस गड्ढा खोदने के लिए कह देता है। मजदूर ऐसा ही करते हैं। मजदूर के चले जाने के बाद सुनील बड़ी सावधानी से कार से शव को उतारता है और गड्ढे में दफना देता है। सुनील ने इस अपराध को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि किसी को इसके गुनाह की भनक तक नहीं लगती है और वो अगले ही कई महीनों तक अपनी जिंदगी जीता रहता है। सुनील के इस खुलासे से सभी हैरान रह जाते हैं कि ऐसा उसने किस प्रकार किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार निशानदेही पर क्राइम ब्रांच की टीम सुनील के फार्म हाउस पर छापा मारती है और मजदूरों की मदद से गड्ढा खुदवाया जाता है। लगभग 10 फीट की खुदाई के बाद पुलिस मोनिका के कंकाल को बरामद भी कर लेती है और उस कंकाल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जांच एक और बात हैरान कर देने वाली थी, वह थी कि 22 साल की मोनिका जिस 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हुई पड़ी थी, वो सुनील तो पहले से ही शादीशुदा था और दो बच्चे भी थे। ये बात मोनिका को कैसे नहीं पता चली। सुनील के खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस और पुख्ता सबूत जुटाने में लग जाती है। इसी क्रम में कुछ महीनों की मेहनत के बाद पुलिस सुनील की निशानदेही पर वो पिस्टल भी बरामद कर लेती है जिससे कि मोनिका की हत्या हुई थी, जिसका इस्तेमाल मोनिका की हत्या में किया गया था। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक लैब की जांच में खुलासा होता है कि उसी पिस्टल से चली गोली अभी भी मोनिका की खोपड़ी में फंसी हुई थी। अब लोगों के जहन में एक सवाल आने लगता है कि जब सुनील मोनिका से इतना प्यार करता था तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि सुनील ने मोनिका की जान ले ली। पुलिस भी मर्डर के मोटिव का पता लगाने के लिए सुनील से मोनिका की हत्या के पीछे का कारण जानने की कोशिश करती रही। इस पर सुनील खुलासा करते हुए कहता है कि दरअसल उसको वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं था। सुनील अपनी शादीशुदा जिंदगी से इसलिए वह किसी भी हाल में भारत छोड़कर कनाडा जाना चाहता था, मगर काफ़ी कोशिशों के बाद कनाडा जाने का रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था। इत्तेफाक से इसी दौरान उसकी दोस्ती मोनिका से होती है और जब सुनील को पता चलता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा जाना चाहती है तो जानबूझकर सुनील मोनिका से
और नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है और उसके प्यार में पड़ जाता है और वह जुगाड़ में लग जाता है कि जैसे ही मोनिका कनाडा जाएगी वह भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। वो भारत छोड़ना चाहता था, इसलिए मोनिका के कनाडा जाते ही सुनील फिर से उसे भारत बुलाता है और उससे शादी करता है। वह अपनी शादी की बकायदा कोर्ट में रजिस्टर्ड भी करवाता है क्योंकि मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीज़ा नहीं मिलता है। इस कारण एक समय बाद सुनील को उसका अपना कनाडा जाने का प्लान फेल होने लगता नज़र आता है। इसके अलावा शादी के बाद जब दोबारा मोनिका कनाडा से भारत वापस आती है तो वह वापस कनाडा जाने के लिए मना करने लगती है क्योंकि वह सुनील के साथ रहना चाहती है। इस कारण सुनील को डर सताने लगता है कि अगर मोनिका वापस कनाडा नहीं गई तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसके कनाडा जाने के सारे सपने पर पानी फिर जाएगा। बस इसी के बाद दोनों में अनबन बढ़ने लगती है। सुनील अक्सर मोनिका से कनाडा वापस जाने की जिद करता रहता लेकिन मोनिका हर बार मना करती रही, जबकि मोनिका किसी भी हाल में भारत में सुनील के साथ ही रहने की जिद करती थी। बस इसी बात पर इन दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और यहाँ तक बिगड़ गए कि एक दिन तैश में आकर सुनील ने मोनिका की गोली मारकर हत्या कर दी और लाश को दबा दिया। सुनील अपने इस गुनाह को छुपाने की जी तोड़ कोशिश करता रहा मगर इसको वह लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाता है और फाइनली 9 महीनों के बाद उसके गुनाह से पर्दा उठ ही जाता है। फिलहाल केस की स्थिति के बारे में बात करें तो सुनील पर मोनिका के मर्डर के अलावा सबूत मिटाने और धोखाधड़ी के मामले भी चलाए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सुनील पर पहले से भी हरियाणा के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं मगर अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिलहाल सुनील जेल में बंद है, सजा के ऐलान का इंतज़ार कर रहा है। इस मामले में मोनिका के परिवार वालों ने साथ अन्य लोगों पर भी मोनिका की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस उन आरोपों की जांच कर रही है। इसके अलावा मामले में पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके। वैसे तो यह अदालत तय करेगी कि सुनील को उसके किए की क्या सज़ा मिले। फिर भी आपके अनुसार आरोप सिद्ध होने पर सुनील को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी सच्ची घटना की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कहानी सुनने के लिए थैंक्स।